हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है बात करने जा रहे हैं लाडला भाई योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना ने तहलका मचा के रख दिया था, उसी प्रकार से अब जो है महाराष्ट्र सरकार में जो है सीएम शिंदे जी हैं, वह जो है महाराष्ट्र के बेरोजगारों के लिए एक बार फिर से अपने युवाओं का जो है ध्यान रखते हुए, यानी कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए और आर्थिक रूप से सरकार मदद करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बहनाओं के लिए लाडली बहना योजना की जो है शुरुआत की गई थी, उसी प्रकार से जो है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार शिंदे जी जो है इन्होंने लाडला भाई योजना की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें कि बेरोजगारों को 10,000 रुपये प्रति माह तक का जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है आपको बतलाने जा रहे हैं किस प्रकार से जो है युवाओं को 10,000 रुपये मिल पाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा 17 जुलाई 2024 को इस योजना को लेकर जो है घोषणा कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा जो बेरोजगार युवा हैं उनका आर्थिक रूप से जो है सहायता और देश के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है कोशिश की जा रही है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा 6,000 से लेकर 10,000 रुपये तक जो है महीना जो है महाराष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा, ताकि वह देश में अपना योगदान दे सकें। इस प्रकार से सरकार का कहना है कि जो ग्रेजुएट है उनको हर महीना जो है 10,000 रुपये सरकार देगी। जी हाँ दोस्तों, जो ग्रेजुएट और बेरोजगार युवा हैं उनको जो है सरकार प्रत्येक माह 10,000 रुपये देगी। वहीं पर जो 12वीं पास बेरोजगार युवा हैं उनको सरकार 6,000 रुपये देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो 12वीं पास बेरोजगार युवा हैं जो कि महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, उन्हें सरकार जो है 6,000 रुपये प्रति माह जो है आपको बेरोजगारी भत्ता देने वाली है। उसी प्रकार से जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास किए हुए हैं, मतलब कि जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है, उन्हें जो है महाराष्ट्र सरकार हर महीने 8,000 रुपये देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे से सुन लीजिए, जो कि ग्रेजुएट डिप्लोमा धारी हैं उनको जो है सरकार 8,000 रुपये महीना देने वाली है। वैसे आप जानते ही हैं कि नवंबर या फिर अक्टूबर में माह में जो है महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, इसी को देखते हुए सरकार जो है अपने युवाओं को यह तोहफा देने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लाडली बहना के लिए जो है पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं और इसका जो है भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को जो है बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी मिला और अच्छे से जो है सरकार पूरे एमपी में आ गई और इस लाडली बहना की चर्चा जो है पूरे ऑल इंडिया बेस्ड पे है। हर स्टेट में जो है इस लाडली बहना योजना के लिए आवेदन किस प्रकार से होने हैं, किस प्रकार से होंगे, इसकी चर्चाएं जो है की जाती हैं। हमारे पास भी जो है यूट्यूब के चैनल में कमेंट के माध्यम से जो है हमें ऑल इंडिया बेस से जो है महिलाएं बहनें जो है कमेंट करती हैं कि जो है हम फलाने फलाने स्टेट से हैं, हमारा जो है किस प्रकार से इस योजना के लिए आवेदन हो पाएगा। तो उसी प्रकार से यह योजना भी जो महाराष्ट्र सरकार शिंदे जी हैं चला रहे हैं, बेरोजगारों को जो है एक स्टाइपेंड की तरह जो है हर महीने 10,000, 6,000 और 8,000 रुपये की राशि जो है प्रदान की जाने वाली है। यह योजना भी जो है पूरे भारत देश में एक रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, हम इस योजना का उद्देश्य की यदि बात करें तो इस योजना के तहत जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सी पहल चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सहायता, मतलब कि 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाए जाने के बाद शिंदे सरकार ने यह योजना लाडला भाई योजना की घोषणा जो है कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और इस योजना का उद्देश्य राज्य में जो है बेरोजगारी की दर को कम करना है। इस योजना के तहत जो है युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप के अवसर भी मिलेंगे और इसके साथ ही वे जो है आर्थिक सहायता राशि प्राप्त भी करेंगे, मतलब कि जो है फैक्ट्रियों में जो उन्हें अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसमें जो उन्हें अप्रेंटिस के साथ साथ जो है स्टाइपेंड, मतलब कि एक सहायता राशि भी प्रदान
की जाने वाली है। इससे न केवल राज्य की बेरोजगारी दर घटेगी बल्कि बेरोजगार शिक्षित जो युवा हैं वह आत्मनिर्भर बनने के लिए और अपने लिए जो है रोजगार स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों लाडला भाई योजना के लिए जो है महाराष्ट्र सरकार के जो युवा हैं जो वहां पे स्थायी निवासी हैं वह किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपकी क्या क्या पात्रताएं होने वाली हैं, कौन कौन से दस्तावेज जो है आपको लगने वाले हैं, उम्र क्या रहने वाली है और इसके लिए जो है कहां कहां से किस प्रकार से जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से होगा या फिर भरे जाएंगे ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म, इसकी संपूर्ण जानकारी जो है चैनल के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आपने अभी तक यदि आपके ही अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो रोज ही आया करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।